गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माई अनदर व्लॉग। तो होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आज का व्लॉग मैं घर से ही बना रही हूँ आज का व्लॉग, क्योंकि मुझे हॉलीडेज़ है 2-3 दिन की, तो सोचा घर पे ही आज व्लॉग शूट करती हूँ। एग्ज़ाम्स आ रहे हैं हमारे, तो उस वजह से 2-3 दिन पहले छुट्टी कर दी है। उसके बाद तो मेरे पास वैसे भी टाइम नहीं है इतना व्लॉग शूट करने का, क्योंकि पढ़ाई पर फोकस तो करना पड़ेगा। आज मैं बना रही हूँ ब्रोकली के परांठे, बिना किसी की हेल्प के खुद बना रही हूँ। तो आपको भी बताती हूँ मैं कैसे कैसे बना रही हूँ। मैंने ब्रोकली के परांठे बनाने सीखे थे, जो कि मैं फिर मुझे मौका नहीं मिला कभी यहाँ बनाने का, तो सोचा आज बनाती हूँ। क्योंकि इसके लिए मतलब टाइम चाहिए होता है, 1-2 घंटा तो मेरे लग ही जाएगा, क्योंकि बहुत स्लोली स्लोली काम करती हूँ। टाइम तो वैसे ज़्यादा हुआ नहीं है, मतलब 8:30 हुए अभी, तो सोचा 1-2 घंटा तो 10 बजे तक बनेगा मेरा ब्रेकफास्ट कहीं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। थोड़ा बहुत मैंने पहले ही करके रख दिया था, जो ये ब्रोकली है इसको मैंने मैश शाम को ही कर दिया था, दिखाती हूँ मैं आपको। ये इसको मैंने शाम को ही मैश करके रख दिया था, क्योंकि ये पानी छोड़ता है, तो इसको आप 1-2 घंटे पहले मैश कर दीजिएगा, क्योंकि फिर इससे पानी नहीं निकलेगा। अगर आप तभी तभी इसको मतलब तभी तभी बनाओगे मैश करके, अच्छे नहीं बनेंगे, फट जाएंगे पराठे। तो चलिए अब इसमें क्या क्या चीजें हम ऐड करेंगे मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे नमक, स्वाद अनुसार आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद हम डालेंगे धनिया, उसके बाद हम डालेंगे इसी भी लाल मिर्च, और फिर हम डालेंगे इसमें हल्दी, थोड़ी सी अजवाइन, और अब हम इसको मिक्स कर देंगे। तो इसे आप लोग मिक्स करिएगा, क्योंकि ज्यादा अच्छे से होगा। फिर और इसमें हरी मिर्च मैं ऐड करना भूल गई हूँ, तो थोड़ी सी वो भी डाल दीजिएगा। और भी इसमें मतलब चीज़ें ऐड करनी पड़ती है, जैसे धनिया है, मेरे पास है नहीं है तो मैं अभी नहीं डाल रही, उसको मैं स्किप करूँगी। और ये अब हमारा मिक्सचर अच्छे से तैयार हो गया है। और नमक एक बार चेक कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने थोड़ा डाला था, मतलब कम लग गया है, थोड़ा सा मैं और ऐड कर रही हूँ इसमें। और भी एक दो चीज़ें मैंने थोड़ी डाल दी इसमें, एक अजवाइन एक नमक, तो ये मैं फिर से डाल रही हूँ थोड़ा थोड़ा, आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा। तो ये देखिए मैंने 2 चपातियाँ बेल के रख दी है, मतलब चपाती नहीं, चपाती से थोड़ा छोटा साइज लग तो ऐसी चपाती ही है, बट इससे थोड़ा सा छोटा, इतने साइज की चपाती बेल दी है कि इसमें अब हम इसके मिक्सचर को एक साइड डाल देंगे। इतना ज्यादा भी नहीं डालना है, ठीक सा डालना है, मतलब मीडियम, क्योंकि फिर ये इसमें फटने का डर रहता है। और अब आप लोग ये वाली चपाती को, अब आप इसको इसके ऊपर ऐसे डाल दीजिएगा, और इसको साइड साइड से फिर बंद कर देना है, इसको साइड साइड से बिल्कुल ऐसे मतलब बंद कर दीजिएगा, जिससे ये जो हमने इसमें डाला है वो बाहर ना जाए। और फिर इसको आराम आराम से बेलना है थोड़ा सा। ये देखिए बिल्कुल भी नहीं फटा है, क्योंकि मैंने थोड़ा ही डाला है, अगर मैं ज्यादा डालूंगी तो ये फट जाएगा। और साइड साइड से आप लोग इसको अच्छे से बंद कर लीजिएगा।
रेडी हुए सारे बन गए हैं। मुझे पूरा एक घंटा लग गया बनाने में, क्योंकि इसमें ये आराम आराम से करना पड़ता है। मतलब ज्यादा आप लोग फटाफट के चक्कर में ये नहीं तो फट जाते हैं। आप लोगों को ये जो रेसिपी थी मेरी वो पसंद आई होगी। अब मैं ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, आपको मिलती हूँ अब नेक्स्ट व्लॉग में। ये व्लॉग वैसे तो बहुत छोटा है, बट आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।